जानना चाहती है। ए, मुझे हाथ मत लगाना। तुझे, तूने अपने प्यार को बचाने के लिए मेरी लाइफ खराब कर दी। तूने अपने मगेतर को हीरो बनाने के चक्कर में मुझे जीरो बना दिया। तेरी बातों पर विश्वास करके आज तक मेरी शादी नहीं हो पाई। मैं तो वापस विदेश चला जाना चाहता था, लेकिन मेरे बाप ने मेरा पासपोर्ट चला दिया। मैं साइको हो गया। इस दुनिया में अपने आप को साइको बोलने वाला मैं पहला इंसान हूँ। क्या बोला था तूने? उससे 3 बच्चा पैदा करके वो बच्चे मुझे बाप बुलाएंगे? नो। अब तू मेरे बच्चे पैदा करेगी और मैं उन बच्चों का बाप बनूंगा। कैसा है मेरा रिवेंज? अभी तू मेरे कंट्रोल में है। तेरा मंगेतर आ रहा है। बच्चे पालने के लिए पैसा नहीं चाहिए क्या? इसलिए तुम लोगों ने जो 1 करोड़ रुपए जमा किए थे, उसे मैंने अपने आदमियों के जरिए हासिल कर लिया। अभी थोड़ी देर में ड्रामा स्टार्ट। प्रे, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? चिंतामणि, यहाँ कोई पानी भी नहीं दे रहा है। भाई जरा पानी दो ना। इस तरह से क्यों घूर रहा है ये? पांडे, मुठों के पास कहीं का? कितना काम दिया था मैंने तुम्हें? तेरे भरोसे मैंने लोगों को कह दिया था कि पैसा आने वाला है। अब वो पैसे मांगेंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा बहुत पुराना दोस्त है वो, अभी वो साइको बन गया है। पांडे, पांडे, श्रद्धांजलि पोस्टर छिपा कर पैसा हजम कर लेगा तो तुझे छोड़ दूंगा क्या? उठा लिया ना अभी पैसा। कहा बोल, बोला बोल, मालिक, मालिक मुझे बचाइए, बचाइए मालिक। मुझे पता था रे, तेरे पास इतना दिमाग नहीं कि तू ये काम कर सके। हाँ पांडे, तुझे आइडिया देने वाला यही है ना? यही तेरा नया बॉस है क्या? मेरा नाम रामनाथ है। रामनाथ भाई से काट के अचार बना देते हैं। ए, रुक रुक। ए, तो इस कुमार के पास स्केच बना कर देने वाला आदमी है ना? भाई ये पुरानी बस्ती की कालूगंज का बहुत बड़ा किला है, मैं जानता हूँ। ये मुंबई से है, धारावी से आके यहाँ शराब बेच रहा है। ए, रुक जाओ। ताई ये मलिंगा फंसा देगा। मुझे पता चल गया पैसा कहाँ है। पता चल गया क्या भाई, पैसे कहाँ है? हाँ हाँ, मजाक उड़ा रहा है? देखना चाहता है ना कि मैं तुझसे पैसे कैसे वसूल करता हूँ? चिंतामणि, तू कैसे पलट गया रे? तूने मेरे पैसे को मैंने ही लिया है बोल रहा है। उनको बोल कि वो मेरा पैसा है। सुनो मालिक, बताएंगे तो वो हमें मारेंगे। ए, बताएगा तो नहीं मारेंगे, नहीं बताया तो चांद से मार देंगे। बोल पैसा कहाँ है? ए, नए बॉस के लिए चेयर लेकर आओ। रामनाथ सर चेयर पर बैठिए। ए, उठ, ऊपर बैठ। बैठ जाइए मालिक, नहीं तो ये मारेंगे। ए, तुम लोग पकड़ो इसे। इनको इसकी आदत नहीं है। बस बस करो, आप बोलेगा बोले। ए, ए, बोलना। लगता है भाई चढ़ गई इसे। मैं तू मैं तू मैं तू मैं गाना मत का बोल। माँ बाप की बनाई हुई दिली। बाबा बाबा, मामा मम्मी की बनाई चटनी। क्या गाना है? तुसु क्या कमाल है स्वादिष्ट। खाओ पियो और मजे करो। खाओ पियो मजे करो। कान के नीचे लगाऊं क्या? मैंने सोचा था पीने के बाद ये सच बोलेगा, लेकिन ये तो एंटरटेनमेंट करने लगा। ए, अगला राउंड शुरू कर। चल, और मिला।
आवाज आ रही है। भांजी ऊपर जिया जी चल जिया जी जिया जी मारे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक परिवार के लिए बाप बुनियाद होता है। अगर परिवार में बाप सही ना हो तो वो परिवार बीच रोड पे आ जाता है। मर्द है तो काम पे जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए। काम करे और कमाए बिना घर में बैठने से मेरे परिवार की तरह लोग रास्ते पे आ जाएंगे। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर हो गया तो बेटा बेटा नहीं बना करना चाहिए था, परिवार नहीं बढ़ाना चाहिए था। अब क्या करूं, मैं अपनी खुदगर्जी के लिए अपने बाप की कमाई इज्जत को बर्बाद कर दिया, उसकी जायदाद मिटा दी। पापा नहीं बना, छोड़े पे लगा रहा हूँ। मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझे किसी लोरी या ट्रेन के नीचे आके मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। जीजा जी भगवान ने करने के बजाय जीजा जी कुछ नहीं होगा, बिठवा दिया। घबराइए मत, मैं जब पैदा हुआ तो बाप के सामने बेटे की हैसियत से हार गया। मैं अपने बेटे के लिए अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं हार गया। मुझे बाप कर देना, बाप कर देना। For raid, are you ready? Countdown starts. कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, चिंता मनी भाग ले। तू इधर क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ तेरी वजह से हुआ। भाई मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। देख मेरे पापा को, देख। बता पैसे कहाँ रखे हैं तूने? बताता है कि नहीं? बताता हूँ भाई।
मैंने विजय पांडे को फोन करके कागजात वाले बैग को उठा लिया। बहुत खुशी हुई। अब जगह बताता हूँ, बोलो पांडे। सीतामणि जंक्शन 11:30 बजे 11:30 बजे न्यू इंजी टी स्टॉल। न्यू कुंजी न्यू इंजी टी स्टॉल। सॉरी पांडे जी, न्यू इंजी टी स्टॉल। पीली शर्ट में कूलिंग ग्लास में दाहिने हाथ में सिगरेट बाएं हाथ से पटेक्स में तीन बार मारेगा। तुम उसे बैग दे देना। न्यू इंजी टी स्टॉल। पीली शर्ट कूलिंग ग्लास। हाँ, मैंने देख लिया, ये पुतले जैसा क्यों कर रहा है। पीली शर्ट कूलिंग ग्लास। सिर्फ तीन बार बेवकूफ। पांडे जी ने बताया नहीं, बाएं हाथ से पटेक्स में। ये है हाथ, बैग आराम से काम किया। पैसे लाने भेजा था, खाली हाथ आ गया। अरे वारे ऊपर वाले, अरे छी, 10,000 रुपए। नमस्ते पांडे जी, ऑपरेशन सक्सेस। 10,000 कब दोगे? जूते से मारूंगा। तूने 11:30 बजे बैग उठाया, अभी 12 बज चुके हैं। वो बैग कहाँ है? पांडे जी, वो बैग तो मैंने दे दिया। किसको दिया? पीली शर्ट को, उसने पटेक्स में तीन बार मारा, मैंने उसे दे दिया। पीली शर्ट वाला बेवकूफ यहाँ खड़ा है। उस बैग में 1 करोड़ रुपए है, जानने के बाद तू उन पैसों को हजम करना चाहता है? 1 करोड़ रुपए? उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। पैसे हजम करके परोठा और मटर करी खा रहा है। अगर आधे घंटे में मुझे बैग नहीं मिला ना, तो तुम्हें और तुम्हारे आइडियाज देने वाले को जान से मारूंगा। आइडियाज देने वाले? भाई हाथ में सिगरेट और दाया हाथ से तीन बार जिसने पटेक्स पर मारा, मैंने उसी को दे दिया भाई। ए टकलो, दाहिने हाथ में सिगरेट, बाएं हाथ में पटेक्स। आप और आपके पापा पैसे लेकर जब घर से निकले तो हमने बाइक से आपको, हम लोग आपको बेवकूफ बनाकर वो पैसे लेना चाह रहे थे, लेकिन ये टकलू ड्राइवर आपको बेवकूफ बना के आपसे सारे पैसे लेके भाग गया। उसके बाद मैंने उसको लगातार फॉलो किया, ये बीच जंगल में किसी से फोन पर बात कर रहा था और मैंने सुन लिया। सुन, स्पॉट का पता चल गया। सीतामढ़ी जंक्शन, ठीक 11:00 बजे न्यू इंजी टी स्टॉल। दाहिने हाथ में सिगरेट लेके बाएं हाथ से तीन बार पॉकेट पे मारना। किसके पॉकेट पे बे? अबे अपने पॉकेट पे गधे। पीली शर्ट पहनकर, कूलिंग ग्लास पहनकर, उसका आदमी तीन बार पॉकेट पे हाथ मारने ही वाला था कि तभी वहाँ सोमू पहुँच गया। अरे सर, आप मुझे शाहरुख खान की तरह एक सेल्फी ले क्या? सर प्लीज, बाएं हाथ से पटेक्स पर। और अब हो गया बैग हाथ में लॉक। हमने अपने मालिक को दे दिया। कमलेश, मुझे तेरे सामने खड़े होने में भी शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मामा। हाँ भांजे, पापा और मृदुला को अपने साथ घर लेकर जाओ। लेकिन भांजे तू जाओ मामा। कमलेश चलिए आइए। ये पैसे यहाँ कैसे आए? ये पाप आपने किया है ना? ऐसी हरकतें करके आखिर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? बताइए मुझे, ये सब नहीं चाहिए हमें। अपनी बेटी से ज्यादा आपको इन पैसों से प्यार है? अरे कैसे बाप हैं आप? पैसों के लिए और कितना गिरेंगे आप? आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें अपनी बीबी कहते हुए मुझे शर्म आती है? क्या वो मेरा समधी बनेगा और वो आवारा मेरा दामाद बनेगा? बहुत घटिया बात कर रही है तू, सबको मार डालूंगा। भाई साहब, आराम से, संभल कर आइए। क्या भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये पैसा नहीं मिलता
तो जैसा कि मेरे बेटे ने जबान दिया था, हम सबको फांसी पे लटकना पड़ता, हमारा पूरा वंश मिट जाता। आपका भी हमारे घर से रिश्ता है ना, मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं रिश्तों को समझ नहीं पाता, मैं अपने बेटे को ठीक से नहीं पाल पाया। भाई साहब, अगर मैं आपके समझी बनने के लायक नहीं हूँ तो मर जाऊँ क्या? मर जाऊँ क्या? मर जाऊँ क्या? मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए सब कुछ है। नहीं देख सकती बेटा, इससे पहले मैं मर जाऊंगी। दादी, ये सब देखने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है क्या? हे भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे अपने पास बुलाइए। तुम खुश रहो बेटा, तुम खुश रहो। भाई साहब, इनकी बुद्धि कम है लेकिन इन्होंने कभी भी किसी को तेज नहीं पहुंचाई, कभी किसी का बुरा नहीं। रोना बंद कीजिए, रोना इन्हें चाहिए। क्या कहा आपने? मेरे ससुर जी को समधी बोलने में आपको शर्म आती है और कमलेश को अपना दामाद बोलने में आपको शर्म आती है? अब मेरी बात सुनिए, आपको पापा कहने में मुझे शर्म आती है। पैसा बंगला होने से सुख चैन नहीं मिलता है पापा, आज के बाद खुशियाँ आपसे बहुत दूर हो जाएंगी। चलो मैं चलते हैं। चलिए दादा, चलो चलिए।